हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेश भारद्वाज आपके सामने हाजिर हूं एक और नया अपडेट लेकर। अभी मैं ये वीडियो अपने ऑफिस से ही बना रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, आप लोग का क्वेरी भी था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने ऑफिस से ही आपके लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि आपके मन में जो भी संशय है उस संशय को मैं दूर कर सकूं। आप जानते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए मैं तब तत्पर रहता हूं और आपको सटीक जानकारी देता हूं। तो एक और समस्या सबसे बड़ी जो आपके सामने आ रही है कि आप जानते हैं कि हड़बड़ी में रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग में केवल इंग्लिश को चूज करके और अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बेल्ट्रॉन जो एग्जाम लेगा और जो टाइपिंग एग्जाम लेगा और जो पैनल बनाएगा वो केवल हिंदी के टाइपिंग पर ही उसका पैनल बनेगा, यानी कि मेरिट बनेगा। जिसका हिंदी में टाइपिंग में अच्छा मार्क्स आएगा उसका नाम पैनल में सबसे ऊपर रहेगा, आप जानते हैं। तो बहुत सारे मित्र हमारे घबराए हुए हैं कि अगर उन्होंने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज करके ही अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है तो फिर उनका क्या होगा, उनका नाम तो ऑब्वियस बात है कि उनका सबसे नीचे आएगा पैनल में नाम, तो वैसे में वो क्या करें। तो मैंने अभी बेल्ट्रॉन के ऑफिस में बात किया इसके रिगार्डिंग कि जिन्होंने केवल इंग्लिश चूज करके अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है क्या वो फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, बाद में करेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो बेल्ट्रॉन के ऑफिस से हमको यही कहा गया कि नहीं, अभी कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने कोई भी त्रुटि किया है, चाहे वो गलत अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हों या फिर किन्होंने अपना मैट्रिक के बदले इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है या फिर अपना जो भी जातीय आवासीय है उसका गलत अगर उन्होंने अपलोड कर दिया है, तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी प्रकार की भी कोई गलती हुई है तो उन लोगों के लिए करेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने फिर बेल्ट्रॉन के अधिकारी से पूछा कि तब इसका समाधान क्या है, क्या वे लोग दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा भी जो मैंने बेल्ट्रॉन के अधिकारी से बात किया और मैं आपको वो नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप आसानी से बेल्ट्रॉन के उस टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो जब मैंने बेल्ट्रॉन के अधिकारी से पूछा कि क्या मैं फिर से कोई नया फॉर्म भर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, तो उनके द्वारा यही बताया गया कि हाँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके और फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपसे भी ऐसी त्रुटि हो गई है तो आप भी जाकर और अभी तुरंत अपना नया फॉर्म भर दीजिए बेल्ट्रॉन के लिए। जो भी आपको अगर आपका त्रुटि हुआ है उस त्रुटि को सुधार कर लीजिए। और अगर आपने केवल इंग्लिश चूज कर लिया है टाइपिंग में तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अब जब आप फिर से फॉर्म भरें तो वहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज कर लीजिए। क्योंकि एक बात समझ जाइए कि आपका तो इंग्लिश में टाइपिंग है ही, और इंग्लिश में टाइपिंग है तो अभी आपके पास 4-5 महीने है, आप आसानी से हिंदी में भी टाइपिंग अपना कम से कम 5 से 10 का स्पीड भी बना सकते हैं, और 5 से 10 का स्पीड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो आपका मेरिट बनाने में बहुत ही सहायक होगा। आप कम से कम 5-6 हज़ार लड़कों से ऊपर जा सकते हैं अगर आपका हिंदी में 5-6 का भी स्पीड है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फिर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप दोनों टाइपिंग चूज कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में पास कर गए, हिंदी में फेल भी हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो हिंदी में आप 2 वर्ड पर मिनट भी आप स्पीड मारेंगे तो वो आपका मेरिट में बहुत ज़्यादा फैक्टर करेगा, आपका नाम ऊपर लाने में आपकी मदद करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप हमको कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। और मैंने बेल्ट्रॉन का नंबर भी स्क्रीन पर दे दिया है, आप इस नंबर से बेल्ट्रॉन में बात करके और अपना जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अभी कोई करेक्शन फॉर्म का ऑप्शन नहीं है बेल्ट्रॉन में। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप फिर से जाइए, नया रजिस्ट्रेशन करवाइए, नया फॉर्म भरिए, और जितनी भी आपकी त्रुटि हुई है उन सबको आप सुधार सकते हैं नया फॉर्म भर के। आपको मोबाइल नंबर नया लगेगा और ईमेल आईडी नया लगेगा, आप अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू सिटी के मालिक प्रकाश अवतनाल के। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बीएसडीसी, माय नेम इज प्रकाश अवतनाल के। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, क्वेरी था बेल्ट्रॉन का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में। स्टेनोग्राफर का एप्लीकेशन पिन कैसा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एप्लीकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर। इशू क्या है, पेमेंट का इशू आपको? इशू है सर कि हमने फॉर्म भरते समय सर केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया है,
अभी फॉर्म सबमिट हुआ आपका? फॉर्म सबमिट हो गया है सर, फाइनल सबमिट हो गया है। कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते सर आप? तो सर एक चीज पूछना था कि सर अगर हम टाइपिंग जब देने जाएंगे तो क्यों इंग्लिश का ही देंगे या फिर हमको हिंदी का भी देने का मौका मिलेगा? एप्लीकेशन जो फिल किए रहते हैं उसके हिसाब से ही आपको एग्जाम दिया जाता है, उसके हिसाब से दिया जाता है। अच्छा एक सर और बताइए, अगर मान लीजिए मेरा इंग्लिश भरा गया, हम चाहें दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो हो सकता है? मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके कर सकते सर, आपके ऊपर डिपेंड है वो। मेरे ऊपर डिपेंड है, वही एक्स्ट्रा हमको अपने जो कटेगा वो पैसा देना होगा, मतलब फॉर्म फिल का ऑप्शन नहीं है? नहीं होगा सर। सर डॉक्यूमेंट भी हमारा, इसका नाम बताइए जी सर। अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बोल रहे हो ना सर, दोबारा रजिस्ट्रेशन करते तो जो जो डॉक्यूमेंट जो जो डिटेल आपको फिल करना है वो फिर से करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। और सर एग्जाम कब होगा सर, मालूम पता है क्या आपको? एप्लीकेशन फेस कम्प्लीट होने के बाद नेक्स्ट एडमिट कार्ड का फेस चालू होता है, जब अपडेट आता है एडमिट कार्ड का आप देख सकते हो। ओके ठीक है सर।